वेलकम टू विल्सन एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर सिस्टम हमारा जो नंबर सिस्टम है ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है तो आज हम वो सारे ग्रुप्स जो है पढ़ने वाले हैं बस रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाला है उसमें हम जो है डिटेल में बात करेंगे बाकी के सारे ग्रुप जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं तो लेटस स्टार्ट फर्स्ट नेचुरल नंबर्स वॉट आर नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स है जो वन से स्टार्ट होते हैं टू द इन्फिनीटी इन्फिनिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं है नंबर्स का कोई एंड नहीं है नंबर्स विल गो ऑन सो वन टू थ्री एंड सो ऑन दिज नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है एंड दिज नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर्स को नेक्स्ट होल नंबर्स होल नंबर्स क्या है होल नंबर्स वो नंबर्स है जो जीरो से लेके इन्फिनीटी तक आते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है वन टू थ्री एंड सो ऑन वन से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर है और अगर उसमें हम जीरो को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा अगर हम जो नेचुरल नंबर्स है उसमें अगर जीरो ऐड कर देंगे तो वो हो जाएंगे होल नंबर्स मीन्स नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स ओके नाउ नेक्स्ट इवन नंबर अभी देखो होल नंबर के अंडर में क्या क्या आता है होल नंबर के अंडर में आते हैं इवन नंबर ऑड नंबर प्राइम नंबर तो उसमें सबसे पहले है इवन नंबर इवन नंबर क्या होता है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय टू मतलब क्या होता है कि हमको रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए रिमाइंडर में कुछ नहीं बचना चाहिए जब हम टू से डिवाइड करेंगे और हमको रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो ऐसे नंबर्स को जो है इवन नंबर बोला जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है तो टू ले लो फोर ले लो सी टू फोर सिक्स एट है ना और कौन सा है टेन अभी यहाँ पे मैंने टू लिया टू इज़ डिविजिबल बाय टू फोर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई टू अब ये दोनों के बीच में जो थ्री आता है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई टू टू से हम डिवाइड नहीं कर सकते ये फोर और सिक्स के बीच में जो फाइव आता है दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाई टू दैट इज़ वाई दिस थ्री फाइव सेवन आर नॉट द इवेंट नंबर्स तो इवेंट नंबर क्या है वो नंबर्स जिनको हम टू से डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स एग्जाम्पल देखे रखा है टू फोर सिक्स एट टेन टूवेल्व फोर्टीन सिक्सटीन और कोई भी इंटीजर ले लो आप निगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हो है ना तो दीज ऑल नंबर्स आर इवेन नंबर्स ओके नेक्स्ट ऑड नंबर वॉट आर ऑड नंबर्स एनी इंटीजर देट कैनॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई टू कोई भी ऐसा इंटीजर जो एग्जैक्टली exactly टू से डिवाइड नहीं हो सकता वो ऑर्ड नंबर है मतलब ये क्या हो गया जो टू से डिवाइड हो सकता है वो क्या है इवन नंबर है जो टू से डिवाइड नहीं हो सकता वो ऑड नंबर है लाइक like थ्री अगर हम थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर होगा है ना हमको रिमाइंडर मिलेगा देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं थ्री है टू वन जर टू रिमाइंडर में वन आ रहा है सो so, रिमाइंडर में कुछ नहीं आना चाहिए रिमाइंडर में ज़ीरो आना चाहिए तभी हम बोलेंगे कि एक्जैक्टली exactly डिविजिबल हम बोल सकते हैं सो वी कैन से दैट एनी इंटीजियर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई टू इज़ कॉल्ड एज ऑर्ड नंबर एग्जाम्पल दिए है वन थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस थ्री वन सेवन थर्टी फाइव ये सारे के सारे ऑर्ड नंबर है जो कि टू से एग्जैक्टली exactly डिवाइड नहीं हो सकते हैं ओके okay, तो हमने क्या क्या देखा अभी हमने देखा प्राइम नंबर सॉरी हमने देखा इवन नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं टू से वो क्या है वो इवन नंबर है जो डिवाइड नहीं हो सकते टू से वो है ऑर्ड नंबर तो फिर प्राइम नंबर क्या होता है लेटेस्ट सी

अगर हम थ्री की बात करेंगे तो थ्री भी वन से डिवाइड हो सकता है और थ्री से डिवाइड हो सकता है कोई और टेबल में थ्री नहीं आ सकता है अगर हम फोर की बात करें तो फोर इज़ डिविजिबल बाय वन टू एंड फोर हमारा डिफिनेशन क्या बोलता है प्राइम नंबर का कि वो नंबर जो वन से और ख़ुद से डिविजिबल हो खुद के नंबर से डिविजिबल हो सकता है वही प्राइम नंबर कहलाता है सो फोर इज़ नॉट प्राइम नंबर फाइव

नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इट्सल्फ ठीक है जो नंबर्स खुद से डिवाइड हो सकते हैं और वन से डिवाइड हो सकते हैं दो नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स ओके नाउ इंटीजर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर हो गया हमारा अभी इंटीजर्स देखते हैं ऑल द नंबर्स ऑन नंबर लाइन इंक्लूडिंग निगेटिव जीरो पॉजिटिव ऑल आर इंटीजर्स द नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो बट कैनॉट बी अ फ्रैक्शन दिज नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बॉल जेड देखो ये है हमारी नंबर लाइन नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो बीच में रहा ज़ीरो और इस तरफ जो है प्लस पॉजिटिव नंबर से और राइट हैंड साइड में जो है निगेटिव नंबर से सो नंबर लाइन पे आने वाले सारे के सारे निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो इन सभी को मिला के हम इंटीजर्स बोलते हैं ठीक है इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स वो नंबर्स से जो नंबर लाइन पे आते हैं चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो या जीरो हो सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं निगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स इंटीजर्स जो है क्या होता है इट कैनॉट बी अ फ्रैक्शन है ना इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे सो so, ये सारे जो नंबर से नंबर लाइन पे ये इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी जो है इंटीजर में ही आता है और जो ये इंटीजर है इसको कैपिटल जेड के सिम्बॉल से डिनोट किया जाता है ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल रैशनल नंबर एंड इ रैशनल नंबर थैंक यू फॉर वॉचिंग